Hi friends, welcome to the Chayya's little kitchen. Today is Saturday weekend, tomorrow Sunday special. I should prepare something special. What I am going to do? Grill chicken legs. Let us start preparing. So, देख लेते हैं chicken leg बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए. Obviously, दो chicken legs हैं, ये देखिए. और मैंने इसको बीच-बीच में slit किया हुआ है. स्लिट किया हुआ है ताकि सारा मसाला इसके अंदर तक जा सके. और क्या चाहिए? नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून. ये है तंदूरी चिकन मसाला. ये रहा तंदूरी चिकन मसाला, मैंने लिया है कंप्लीट 1 टीस्पून. दही है 3 टेबलस्पून, हनी 1 टीस्पून, लेमन लिक्योर I am going to use 1/2 teaspoon. White vinegar 1 teaspoon I will use it here. And 2 teaspoon butter liya hai maine, room temperature pe rakha hai. Honey kis liye? Honey se bahut acha glaze aata hai, ek bar aap bhi kariye. To ab kya karte hain, ye raha bowl, isme dala maine namak, ye dala haldi, ये डाला देखिए तंदूरी चिकन मसाला, ये रहा मेरा दही. वाह, अरे मामूली दही है, कोई खास बात नहीं, हंकर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है. ये मैंने लिया है देखिए 1 टीस्पून हनी, इससे बहुत ही अच्छा ग्लेज आता है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है. खाना क्या है जी? कुछ भी नहीं है, बैलेंस होना चाहिए, केमिस्ट्री सही होनी चाहिए. किस चीज की केमिस्ट्री? ये जो हमारी कुकिंग की केमिस्ट्री है, ये लेंगे, ये देखिए थोड़ा सा ले रही हूं मैं, 1/2, ज्यादा नहीं. मसाला है, अगर आपको थोड़ा कम ज्यादा लगे तो उसको बैलेंस भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये मैं यूज कर रही हूं 1 teaspoon. Okay, fine. Now what will be the next step? Quick stir for all these ingredients. ये रहा. इन सब को हम अच्छे से stir कर लेंगे. So quick stir. ये देखिए क्या बढ़िया. अब मैं इसमें butter इस्तेमाल करूँगी. आप चाहें तो इसके लिए white oil भी इस्तेमाल कर सकते हैं. चिकन है भैया, जरा बढ़िया होना चाहिए. थोड़ा सा बटर मैं रख ले रही हूं ऊपर उसको ब्रशिंग के लिए. नाउ वंस अगेन क्विक स्टर. पूरा मसाला तैयार हो चुका है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ये सारा मैं इसके अंदर मैरिनेट करूंगी. ये हाथ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको भी. ये देखिए पूरा, और ये पूरा अच्छे से इसके अंदर डालेंगे. जनरली तंदूरी चिकन में वो लोग बहुत सारा कलर इस्तेमाल करते हैं, मैं कलर नहीं कर रही हूँ. अगर आपके पास रेड चिली सॉस है वो भी डालने से उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, पर बहुत तीखा हो जाता है. ये अब आपको देखना है कि आपको कितना तीखा चाहिए. मेरा जो बेटा है वो ज़्यादा मिर्ची नहीं खाता है, मैं मामूली बनाऊँगी इसे. अगर आप मैरिनेट करके रखते हैं 1/2 आवर तो अच्छा है, लेकिन मैं इसको अभी जा रही हूँ ओवन में डालने के लिए, माइक्रोवेव ओवन में ग्रिल पोजीशन पे. सो आइए, ये मैं पूरा चिकन मैरिनेट करके लाई हूँ, इसे मैं माइक्रोवेव ओवन में रखना है. उसके लिए पहले से थोड़ी सी तैयारी की थी. ये ग्रिल ट्रे है, अपर बड़ा वाला जो ऊँचा वाला ट्रे है वो है, नीचे मैंने वेसल रखा है क्योंकि जो भी इसके जूसेस वगैरह गिरेंगे मैं उसको दोबारा रीयूज करने जा रही हूँ. सो इसको रखा मैंने ये ओवन में, और ये देखिए इन दो लेग्स को मैं रखने जा रही हूँ इस तरीके से. ये सारा मसाला आप समेट लीजिए और इसको ऐसे रख दीजिए. ओके, और अब क्या करना है? बंद करना है इसको. बंद करके
ओवन ऑन करेंगे और केवल ग्रिल बटन को दबा दीजिए। ये देखिए ग्रिल। और टाइम कितना लेना है, 10 मिनट प्लस 5 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, सो टोटल 15 मिनट्स, देन वी विल चेंज द साइड्स। सो टिल 15 मिनट्स वी हैव टू वेट फ्रेंड्स, आई विल कम अगेन। अब 15 मिनट जो है वो मेरे ख़त्म होने को आ रहे हैं, और जैसे ही ये बेल बजेगी मैं आपको दिखाऊंगी इसका नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। लेकिन दोस्तों आप इसे OTG में भी बना सकते हैं, OTG में भी ग्रिल हो सकता है। OTG अगर आपके पास में नहीं तो आप ग्रिल तवा पे बना सकते हैं, और मामूली तवा में भी बन जाता है। खाना बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखिए मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं अब इसे बंद करने जा रही हूँ। ये इसको मैं बंद कर दे रही हूँ और अब मैं इसे बाहर निकालूंगी। ये रहा पूरे कच्चे एकदम, ये देखिए बढ़िया ग्रिल हो गया है। लेकिन अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं और रखूंगी। ये जो मेरा मसाला है इसको फिर से लगाऊंगी। ये देखिए पूरा तंदूर हो चुका है। ये रहा, ये देखिए अब सेकेंड साइड भी होना है, तो उसके लिए वो जो मसाला बच गया था मेरा, मैं उसको यहाँ पर लगाने जा रही हूँ। ये पूरा मसाला हम इसमें अब डाल देंगे ताकि ये पूरा अच्छे से, इस बार 15 मिनट नहीं थोड़ा कम समय लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो ओवन है वो पहले से ही काफ़ी गर्म है और थोड़ा कम समय लगेगा। ये रहा, ये जो बटर मेरे पास था बचा हुआ उसको मैं एक बार इसके ऊपर फिर से डालूंगी। ये देखिए थोड़ा सा बटर बच गया है, इसको लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको रखते हैं फिर से ओवन में। इस बार सेकेंड टाइम केवल 6 मिनट के लिए दे रही हूँ, ओवन बहुत गर्म है, 6 मिनट से ग्रिल पे है ऑन, और 6 मिनट तक हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं हमारा चिकन लेग कैसे तैयार होता है, मिलते हैं। तो लीजिए ये देखिए मेरा ग्रिल चिकन लेग तैयार है। अब इसको मैं इस प्लेट पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। वाह, ये देखिए ये ट्रांसफ़र हुआ है, और इसकी थोड़ी सी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग के लिए क्या करेंगे, ये है मेरे पास एक प्याज, इसको मैं गोल गोल काटूंगी। वैसे असली मज़ा तो क्या है जी, इसको मुट्ठी से तोड़ करके जो प्याज खाते हैं उसका ही अलग मज़ा रहता है। लेकिन यहाँ ये देखिए मैंने प्याज लच्छे में काटे हैं, बड़े आसानी से कट जाते हैं। ये लीजिए कट गए हैं मेरे प्याज, ये रहा ये भी कटा, ये एक आखिरी पीस ये भी कट गया है। इसके ऐसे लच्छे निकाल लीजिए। और क्या करना है, थोड़ा सा और तैयारी करना है। ये जो मेरे पास हरी मिर्ची है इनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये लीजिए ज़रा सा बीच में स्लिट कर दिया, ये रहा हरी मिर्च, इसको भी काट लेते हैं। देखिए बीच में से मैंने थोड़ा सा ऐसा चीरा लगा रखा है हर एक में। अब क्या करेंगे, ये प्याज के लच्छे इनके ऊपर लगा देते हैं। देखिए वाह, इन्हें पहना दीजिए इस तरीके से। तैयार हो गया हमारा, ये मिर्च रहा, ये और थोड़ा सा मैं क्या करूँगी, ये जो बटर था ना इसको इसके ऊपर से ऐसे, थोड़ा प्याज के ऊपर भी आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जो खुशबू है बटर की, वाह, ये रहा मेरा वीकेंड स्पेशल ग्रिल चिकन लेग्स। ओके, अब आप इसे
ऐसे ही भी खा सकते हैं, खा के खो जाइए, और नहीं तो रुमाली रोटी के साथ खाइए। पर मैं सोचती हूँ तंदूरी रोटी इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो घर में ही ज़रा सी मोटी रोटी बना लीजिए, ऐसा लीजिए, खुद खाइए और खो जाइए। प्लीज़ लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और पास की जो वो बेल है ना उसको भी दबाइए। वेट टिल माई नेक्स्ट एपिसोड, आई विल ब्रिंग समथिंग न्यू एंड गुड।